राबड़ी आवास से निकलने के बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ एक गाड़ी से निकले और एक गाड़ी में बैठ के निकले। तेजस्वी यादव खुद ड्राइविंग की कमान संभाल चुके थे और नीतीश कुमार पीछे बैठे थे। राजभवन पहुंचे हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम बात करें जिस तरह से ये पूरा सियासी घमासान आज सुबह से चल रहा है बिहार में। नीतीश कुमार आज लगभग 3 बजे के लगभग राजभवन में जाकर राज्यपाल को इस्तीफा देकर, इस्तीफा मंजूर होने के बाद सीधा राबड़ी आवास पहुँचते हैं। वहाँ पर विधायक दलों की बैठक होती है, उसमें नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुना जाता है। और हम बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार इधर भी 6 महीने से जो बीजेपी के ऊपर हमलावर थे और नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था, ये साफ संकेत दे रहे थे कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और ये आज साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और राजभवन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ पहुंच चुके हैं, एक गाड़ी से गए हैं और हम बात करें जिस तरह से महागठबंधन ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव के पास गृह विभाग रहेगा। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव के पास गृह विभाग रहेगा, बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के ऊपर रहेगी। और देखना यह है, कभी दिलचस्प यह है कि जो इनके विधायक हैं, बात करें बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। और हम बात करें महागठबंधन के पास, आरजेडी के पास 79 सीटें हैं और जेडीयू के पास 45 सीटें हैं, लेफ्ट के पास 16 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 19 सीटें। टोटल महागठबंधन को 160 सीटों का समर्थन है। ये बहुत बड़ा बहुमत का आंकड़े से बहुत ज़्यादा ये जो आंकड़ा है 160 सीटों का, ये अब महागठबंधन के पास है। अब देखना यह है कि इसमें से जो आरजेडी के जो 80 विधायक हैं और जेडीयू के जो 45, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, अब इसमें से किसको कौन सी क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, अब ये अब शपथ समारोह कब होता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब बनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस राजभवन में करने जा रहे हैं और समर्थन अपना देंगे, समर्थन अपनी जो 160 विधायक है उसका समर्थन पेश करेंगे, परेड कराएंगे, उसके बाद एक नई सरकार बिहार में बनने जा रही है, नई सरकार का बिहार में निर्माण होने जा रहा है। और जिस तरह से हम बात करें जेडीयू और बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और लगातार हम बात करें बीजेपी के जो नेता हैं लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं कि पलटू राम है, पलट गए, लेकिन वहीं जेडीयू के जो नेता, जेडीयू के प्रवक्ता लगातार बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी भी कभी भी जो मौका पाती है तो ऐसा काम करने से कतई नहीं चुकती, जो मौका पाती है सरकार बनाने से बीजेपी कतई नहीं पीछे हटती, बीजेपी ने कई स्टेटों में ऐसा कर चुका है। ये जेडीयू के प्रवक्ता बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो खुशियाँ, जो उत्साह है क्योंकि बिहार में एक नई सरकार का निर्माण होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है इस सरकार, एनडीए की सरकार टूटने के बाद जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, कि 24 को लेके ये एक बड़ी तैयारी है और ये 24 का आगाज बिहार से हो चुका है। और हम बात करें अभी कुछ ही समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव विधायकों का समर्थन राजभवन में पेश करने जा रहे हैं, उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये फाइनल ये होना है कि नीतीश कुमार कब शपथ लेंगे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनेंगे और उनके पास गृह विभाग रहेगा।